नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल जेजेएन न्यूज़ और मैं पल्लवी एक बार फिर हूँ हाजिर आपके सामने एक खास खबर के साथ। सोमवार की देर रात नेशनल हाईवे 309 रामनगर काशीपुर मार्ग पर स्थित पीरूमदारा में सड़क किनारे एक ही व्यक्ति की तीन दुकानों में अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग लग गई। बता दें, आग लगने की सूचना पर पड़ोस के लोगों की ओर से घटना की जानकारी दुकान स्वामी सहित पुलिस और दमकल विभाग के कर्मचारियों को दी गई, जिसके बाद सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग के कर्मचारियों ने इस दुकान में लग रही भीषण आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। लेकिन जब तक आग पर काबू पाया गया, तब तक दुकान में रखा सारा सामान आग की भेंट चढ़ गया। तो वहीं दुकान के बाहर खड़ी एक स्कूटी और तीन बाइकें भी आग की भेंट चढ़ गई। जिस संबंध में दुकान स्वामी सतपाल ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम पीरूमदारा में उसकी स्पेयर पार्ट्स और वर्कशॉप की दुकानें हैं और इस अग्निकांड में तीन वाहन जलने के साथ ही दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। उनका कहना है कि करीब उन्हें 50 लाख से अधिक का नुकसान हुआ है। वहीं घटना के बाद पुलिस भी मामले की जांच में जुटी हुई है। बहरहाल आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो रहा है और पुलिस आग लगने के कारणों की जांच कर रही है। सतपाल सिंह, ये दुकानें थी आपकी पीरूमदारा में, काई की दुकानें थी, स्पेयर ऑटो स्पेयर पार्ट्स की। ये 50 लाख से ऊपर का नुकसान हुआ है। किस समय लगी रहा? ये हमें साहब 1:15 बजे पता चला है। पड़ोस में उन्होंने बताया कि तुम्हारी दुकान में आग लगी है, 1:15 बजे उन्होंने हमें बताया। तो हम गाड़ियाँ भी जली हैं कुछ? 4 गाड़ियाँ जली हैं, एक स्कूटी है, 3 बाइकें हैं। तो हम खड़े हैं रामनगर क्षेत्र से स्थित नेशनल हाईवे 309 ग्राम पीरूमदारा क्षेत्र काशीपुर मार्ग पर। आपको बता दें कि सोमवार की देर रात यहां अज्ञात कारणों के चलते तीन दुकानों में एक साथ भीषण आग लग गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। तो वहीं सूचना पर दमकल विभाग के कर्मचारी और पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दुकान स्वामी ने बताया कि उसकी एक साथ तीनों दुकानें थी, जिसमें स्पेयर पार्ट्स और गाड़ी के वर्कशॉप के साथ ही जो है स्पेयर पार्ट्स का सामान था और 4 बाइकें भी इसमें जलकर राख हो गई हैं। दुकान स्वामी ने बताया कि रात करीब 1 बजे पड़ोस के लोगों ने उन्हें बताया, तब तक मौके पर पहुंचे तब तक दुकान का सामान पूरी तरह आग की भेंट चढ़ चुका था। उन्होंने बताया कि करीब 50 लाख से अधिक का इनको नुकसान हुआ है और आज जब सुबह लोगों की भी यहां भीड़ लगी भी है, लोग कई प्रकार की चर्चा भी कर रहे हैं, लेकिन आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि क्या कारण थे कि आग लगे। फिलहाल दुकान स्वामी ने प्रशासनिक अधिकारियों, दमकल विभाग के अधिकारियों और पुलिस से भी मांग की है कि इस मामले की उच्च स्तरीय जाँच कराकर उन्हें न्याय दिलाया जाए। वहीं पुलिस और दमकल विभाग के अधिकारी भी जाँच में जुटे हुए हैं कि आग का क्या कारण है और अभी अधिकारी का कहना है कि जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आग किन कारणों से लगी है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जय जय। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहे जे जे न्यूज़। धन्यवाद।